जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं डायनामैक्स और आज एक और नया तगड़ा एपिसोड लेके आया हूं पोकेमॉन वर्ल्ड का। तो अगर आप लोग इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं और मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो भाई इस गेम प्ले की पहली वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि आप इस गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे खेल सकते हैं मेरे साथ। तो जल्दी से गेम डाउनलोड करिए और मेरे साथ खेलना शुरू करिए भाई। तो भाई जैसा आप लोगों ने देखा कुछ देर पहले एक पोर्टल ओपन हुआ था जिसमें हमने एक ब्लिसी को पकड़ा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा धांसू पोकेमोन होने वाला है हमारी टीम के लिए, क्योंकि ब्लिसी जहां तक मुझे लग रहा है इस गेम में हमारी टीम को हील भी करेगा और एक तगड़ा डिफेंडर भी रहेगा। और ब्लिसी के बाद एक दूसरा पोर्टल ओपन हुआ जिसमें हमें एक और डेलफॉक्सी मिल गया है। भाई ये पोकेमोन पता नहीं क्यों बहुत मस्त लगता है यार मुझे, हालांकि अभी फायर टाइप कोई तगड़ा पोकेमोन हमें मिला नहीं है, तो डेलफॉक्सी ही बहुत मस्त लगता है यार। और इस डेलफॉक्सी की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी खासी है, हमारे पुराने वाले से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका हम कैरेक्टर चेंज कर लेंगे और इसे नए वाली डेलफॉक्सी की वैल्यू दे देंगे। और साथ ही साथ हम नए डेलफॉक्सी को ऐड करके इसमें इसके स्टार अप भी कर देंगे, जिसके बाद हमारा ये डेलफॉक्सी और भी ज़्यादा तगड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई। तो भाई ये डेलफॉक्सी की पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो भाई इसको लेवल अप कर ही दिया है, तो मैं सोच रहा था इसके साथ एक बैटल भी कर ही लेते हैं, हालांकि हम इसे अपनी टीम में नहीं ले पाए। करेंटली हमने हमारी टीम में लिया है ब्लिसी को और जो हमारी सब्स्टिट्यूट वाली टीम है उसमें रखा है हमने डेलफॉक्सी को। और भाई अपोनेंट लेके आया ग्रेनिंजा, ब्लेजिकिन और डेलफॉक्सी, और अपोनेंट के ग्रेनिंजा को तो भाई वन शॉट कर दिया यार हमारे रायचू ने। हालांकि ब्लेजिकिन अभी भी डटा हुआ है और भाई हमारे तीनों पोकेमॉन्स के स्पेशल मूव्स अनलॉक हो चुके हैं। देखते हैं पिकाचू का थंडर क्या करता है। भाई ब्लेजिकिन को निपटा दिया और भाई ब्लिसी का भाई स्पेशल मूव ये हमारी टीम को हील कर देता है यार, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार। ब्लिसी जैसा पोकेमॉन टीम में होना चाहिए। और आखिर में ज़ैपडॉस का थंडर भाई तबाह कर दिया डेलफॉक्सी को। और भाई गेम में एक और नया फीचर हमें देखने को मिल रहा है कलेक्शन एल्बम नाम से, जहाँ तक भाई विगलीटफ बता रहा है कि यहाँ काफ़ी टाइप के पोकेमॉन्स मिलेंगे हमें कलेक्ट करने के लिए और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और इससे हमारे पास जो पोकेमॉन है उनकी पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, पता नहीं अब ये सब कैसे होगा। तो इसके लिए पहले हम आ चुके हैं एक सेंट्रल आइलैंड में और ये बोल रहा है कि यहाँ से हम टेलीपोर्ट करके दूसरे आइलैंड में जा सकते हैं। तो चलो भाई इस दूसरे आइलैंड में चलते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए हमें शायद पहले यहाँ के गार्ड को हराना पड़ेगा। और भाई यहाँ 30 से 60 तक की वैल्यू वाले पोकेमॉन्स मिलेंगे हमें, काफ़ी बेटर रहेगा यार, काफ़ी ज़्यादा। अब तक हमें मैक्सिमम 40 वैल्यू के पोकेमॉन्स मिले हैं और यहाँ जीतने के लिए हमारी टीम की पावर 7000 के आसपास होनी चाहिए, तो इतनी तो भाई होगी ही, इतना तो मुझे यकीन है मेरी टीम पर। चलो भाई हमारी ओजी इलेक्ट्रिक टाइप टीम आई है और सेम टीम अपोनेंट के पास भी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास है शाइनी रायचू जबकि उनके पास नॉर्मल रायचू है। भाई शाइनी रायचू ने भाई वन शॉट कर दिया यार इनके ज़ैपडॉस को। ये वाली बैटल तो भाई बड़े आराम से जीत जाएंगे यार, मुझे लगा था यार भाई गार्ड वगैरह है तो टीम थोड़ी ज़्यादा तगड़ी होगी, बट यार ये तो फुसड्डी निकले यार। इस टर्न में ये पूरी टीम ख़त्म। ओ भाई मैग्नसॉन बच गया यार, क्या बात है, लेकिन हमारे मैग्नसॉन ने उसको भी निपटा दिया, तो हम इस गार्ड से जीत चुके हैं जो कि जैसी दिखाई गई है इस गेम में। और ये नया टेक आइलैंड नाम का जो भी है ये अनलॉक हो चुका है, तो देखते हैं भाई यहाँ टेक आइलैंड में हमको कौन कौन से पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे कलेक्शन एल्बम का क्वेस्ट है और यहाँ हम जो जो पोकेमॉन्स ऑलरेडी आज कैच कर चुके हैं उनके बदले में हमें पोकेबॉल्स मिल रही हैं। बढ़िया है भाई, पोकेबॉल्स यही काम में आने वाली हैं। चलो देखते हैं क्या होता है, इन पोकेमॉन्स से हमको बैटल करनी पड़ेगी, इनको हराना पड़ेगा फिर कैच कर पाएंगे।
या फिर जो पोर्टल खुलता था उसके जैसा ही है यहाँ भी कैच करना। हाँ भाई पोर्टल जैसा ही है यहाँ पे भी। और ये म्याउ तो बड़े आराम से आ गया है, इसकी वैल्यू 30 है यार। इस गेम में जो ग्राफिक्स बनाए हैं यार बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है। ये एक हिटमॉनचैन, इसे भी कैच कर लेते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी सभी को कैच कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आ चुका है हिटमॉनचैन, देख रहे हो भाई ग्राफिक्स क्या, तो पंचेस मारे और क्या किक मारी यार। इसके बाद भाई मिल गया अल्लाह का जाम, तो इस पर हमने ग्रेट बॉल यूज़ करी है क्योंकि इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। ये ऐसा रैंकिंग में है भाई, ऐसा रैंकिंग वाले बहुत कम पोकेमोन से गेम में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और भाई ये रहा हमारा नन्ना वन्ना पिकाचू, और भाई ये एक जैपडॉस दिखा था मुझे जिसको मैं कैच करना चाहता था, बट इसको कैच करने के लिए दो तीन लोग और आ गए और उनमें से एक बंदा इसे कैच करके ले गया। बहुत दुख हुआ भाई, बहुत बुरा लगा, बट उसके बाद हमें कलेक्शन तो कंप्लीट करना ही था, तो एक दो पोकेमोन्स को और कैच किया और फिर मैं दोबारा आया वापस यहीं पर, और यहाँ हमें एक 43 वैल्यू का जैपटॉस मिल गया। बहुत बढ़िया भाई, मतलब नॉर्मल जैपडॉस से तो काफ़ी अच्छी वैल्यू थी भाई, और यहाँ हमें रिवॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे मिले। जहाँ बाकी सारे पोकेमोन्स ने पोकेबॉल्स और ग्रेट बॉल्स दी, वहीं जैपडॉस ने हमें क्रिस्टल्स दिए। और यहाँ भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो सेकंड आइलैंड है, टेक आइलैंड के भी 4-5 आइलैंड है, तो इसमें अगर हम सेकंड आइलैंड पे जाएं तो कैसे जा पाएंगे। तो उसके लिए भाई यहाँ जो गार्ड्स हैं उनसे हमें बैटल करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम जैसे हमने वो जेसी के पास गए थे उससे बैटल की थी टेक आइलैंड में एंटर लेने के लिए, इस बार हम बैटल कर रहे हैं टेक आइलैंड का आइलैंड नंबर 2 में एंटर करने के लिए। यहाँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पोकेमोन्स देखने को मिलेंगे भाई। तो हम फिर से जा रहे हैं हमारी पुरानी टीम के साथ। इस बार मैंने सिर्फ मैग्नेजोन की जगह ब्लिसी को ले लिया ताकि हमारी टीम को हील करता रहे। और भाई यहाँ पे तो यार एक ऐश कैप पिकाचू, जेक्रोम और डेडपूल पिकाचू आया यार। देखते हैं कि क्या हरा पाएंगे हम इन्हें या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो भाई वन शॉट कर दिया था यार सबको। और यहाँ भाई इस बार ये लोग हमारी टीम को वन शॉट कर रहे हैं यार, ब्लेसी को निपटा दिया वन शॉट में। अरे यार तो चलो अब हमारे बाकी 3 पोकेमोन मुझे नहीं लगता ये भी टिक पाएंगे, क्योंकि भाई ये जो पोकेमोन हमारे सामने खड़े हैं भाई ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है। चलो फाइनली भाई फाइनली इसका स्पेशल मूव हमको देखने को मिल गया, बट उसके बाद भी वो निपट गई यार डेलफॉक्सी हमारी। उसका स्पेशल मूव देखना था लेकिन फिर भी देखते सही निपट गई वो। और भाई अब हम आए हैं सेंट्रल आइलैंड में, क्योंकि यहाँ पे भी हम आ चुके थे, मतलब ये अनलॉक कर लिया था हमने, ये ऑलरेडी अनलॉक ही था। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे तगड़े तगड़े पोकेमोन से जिनको हमें कैच करना है, लेकिन यहाँ हमें एक और चीज़ दिखी है ट्रेडिंग हाउस नाम से। यहाँ जैसे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स हैं और रेशरम और जेक्रोम भी है, बट उनके बदले में हमें काफ़ी कुछ देना पड़ेगा। और जो देना है ये क्रिस्टल टाइप का, इसकी भाई एक भी नहीं है हमारे पास, एक भी नहीं है। और यहाँ ऐश कैचम की निंजा कॉस्ट्यूम है, ब्रॉक की निंजा कॉस्ट्यूम है, बट मुझे नहीं लगता हम इनमें से कोई भी आइटम ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ हर आइटम के लिए ये गोल वाला जो क्रिस्टल है वो देना पड़ेगा, और ये हमें अब तक पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो इसको भाई मुझे लगता है छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, और सेंट्रल आइलैंड में जितने भी पोकेमोन्स हैं उनको सबको जल्दी जल्दी कैच करते हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है हमको पिकाचू डेलफॉक्सी वगैरह हिटमॉनचैन सबको दोबारा पकड़ना पड़ेगा। और भाई यहाँ देख रहे हो आप लोग, यहाँ कितने तगड़े तगड़े लेजेंड्रीज मिल सकते हैं भाई हमें, अगर किस्मत अच्छी रही तो। वैसे फ़िलहाल हमें पहला पोकेमोन मिल चुका है विगली टफ, और एक डेलफॉक्सी भी मिल गया है। तो जल्दी जल्दी से सबको कैच करके हमारा कलेक्शन कंप्लीट करते हैं। और भाई इस रूट पे तो वीनासोर भी है भाई, वीनासोर क्या भाई यहाँ पे तो
होएन के ट्रायो भी है यार, मतलब होएन की ट्रायो। और ये क्या यार, ये तो ऐसा लगा किसी ने ऊपर से फेंक दिया पूरा, क्या बोलते हैं हमारा गुलदस्ते जैसा पूरा हिल गया यार सारे फ्लावर्स। भाई टायरेंट्रम भी है यार यहाँ पे, बहुत मस्त लगता है यार ये रॉक ड्रैगन टाइप टीरेक्स। और एक और ब्लिसी को कैच कर लिया हमने, ये भाई ये ब्लिजिकन ओएन ट्रायो का पहला पोकेमॉन। और भाई यहाँ गिबाइट भी है भाई, मतलब ये गार्चॉम्प में इवॉल्व होगा और इस गेम में मेगा गार्चॉम्प भी है, काफ़ी तगड़ा रहेगा यार। और मेगा स्वॉम्पर्ड भी है भाई इस गेम में शायद, एग्जैक्टली यार नहीं बट है शायद। तो भाई यहाँ स्वॉम्पर्ड भी आ गया है गैंग में, और वीजिंग वगैरह को भी कैच कर ही लिया है हमने। अब देखते हैं और क्या क्या है भाई। एक ये जिगली पफ, ये कैच करना रह गया था, इसको भी कैच कर ही लेते हैं। तो भाई जैसे जैसे हम पोकेमॉन्स को कैच कर रहे हैं ना, वैसे वैसे हमको और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। रिवॉर्ड्स जैसे कि पोकेबॉल्स, क्रिस्टल्स वगैरह वगैरह, तो सब कुछ जल्दी जल्दी लेते जा रहे हैं हम। और ये मैग्नेजोन भी आ गया, और भाई आखिरी इम्पोलियन। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अब तक नहीं किया हो तो, और ये गेम मेरे साथ खेलते रहना। मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।